बांस घास की श्रेणी में आता है, लेकिन करीब 90 साल पहले हमारे यहां कानून बनाने वालों ने इसे पेड़ का दर्जा दे दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि बांस चाहे कहीं भी उगे, उसे काटने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी, मंजूरी की जरूरत पड़ती थी। मुझे लगता है पूरे देश में अगर किसी क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा इसके कारण नुकसान हुआ है तो वह नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोगों का ही नुकसान हुआ है। इतने वर्षों के बाद देश आजाद हुआ, कितने ही सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन बांस को पेड़ की परिभाषा से अलग करने के देश के लाखों किसानों, आदिवासियों को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने ही किया है। अब हम लगभग 1300 करोड़ की लागत राशि से नेशनल बांबू मिशन को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, खासकर यहां के किसानों को बजट के द्वारा एक और फायदा मिलने जा रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे यहां खेती के लिए कर्ज मिलना बहुत एक मात्रा में आसान है, लेकिन जो खेती से जुड़े अन्य व्यवसाय होते हैं, जैसे पोल्ट्री, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, इसके लिए कर्ज लेने में किसानों को हमेशा दिक्कतें होती थी। अब हमने 10,000 करोड़ रुपए की राशि से विशेषकर फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को ध्यान में रखते हुए दो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित करने का निर्णय किया है।